नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोरिया में सरकारी राशन दुकान में राशन की कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की मिलीभगत के कारण शासन से प्राप्त गरीबों की राशन को बाजार में बेचा जा रहा है। गरीब राशन से वंचित है। राशन दुकानों में करीब 500 सदस्यों की फर्जी आईडी बनाकर उनके नाम से 2014 में से राशन निकालकर बाजार में बेचा जा रहा है। 135 सदस्य ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, फिर भी उनके नाम से राशन आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने दुकानदार पर कार्रवाई कर राशन दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। परसोरिया में जो राशन बचता है तो बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, सबसे हो रहा है ये फर्जीवाड़ा। तो सब 12-20 राशन शुरू हुए, 150 आदमी तो मर गए हैं, उनको राशन आ रहा है वो खा जा रहे हैं, और 500 आईडी फर्जी बनाए हैं पंचायत से मिली जुली भगत करके, राशन आउट है और माने खाली थे। बट ग्रामीणों के लिए राशन मिल रहा है क्या? मिला थे तो जैसे 500 पर्ची आदो की बंद करें, आदो दे दी थे, 500 को सीधो ही खा रहा हर महीना, 150 मरों को खा भी ले। कोरोना को आज गरीबों हो बट भी सुने वो में भीट करो आए इतने काट में और खा गए पूरे माने, और बैलेंस नहीं बतावे सुने वो में कंप्यूटर में डारो वा कोई बात जिसने बार पटवारी ने कह रही सचिव ने कि तुम्हारों की गिर गई है वो ऊपर बात है। 16 रुपया लीटर को कोरोना को तेला और 3 महीना से डाउ नहीं आ गए, ऐसे कछु है कि 6 महीना से ले रही 300-400 आदमी भी उनको जीती जा रहा था। कौन है सोसाइटी वाला? सुदाम है सेल्स में। क्या नाम है आपका? हमारा तरवर सिंह राज। धर्मन जी, जिस तरीके की शिकायत आपके साथ में की है, क्या है पूरा मामला? क्या मामला ये है कि क्या है कि डबल डबल तो इन लोगों ने पर्ची बना रखी फर्जी वाला कर रहा, और इसमें ये चीजें भी है कि हमारे यहाँ कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जिनके हाथ नहीं लग पा रहा है किसी कारण से, या फिर उनको टाइम नहीं है, उनको बहाना दिया जा रहा तो उनको दो दो तीन तीन दिन तो बुलाया जाता है, वो मजदूरी छोड़कर आते हैं, मतलब कि राशन लेने के लिए मजदूरी छोड़कर आते हैं। और इन्हें उनको क्या है कि ये इनको किसी दोस्त यार का फोन या दारू पीने वाले या किसी भी प्रकार के ये बहाने बनाकर और जनता को बोल के चले जाते हैं कि कल आना, आज सिस्टम खराब है और आज सर्वर नहीं मिल रहे हैं और ऐसा वैसा ये सब जमाने की चीजें करवा रहे हैं। और यहाँ क्या है कि जहाँ हमको राशन पानी मिलता है वहाँ से वो महिलाएं कम से कम 3 किलोमीटर से पैदल आती है, वैसे वाहन की सुविधा भी कोरोना के कारण। आपकी ये शिकायत आपने कभी अपने विधायक को नहीं बताई? देखो क्या है सर कि विधायक को तो बताए, पर क्या होता है कि एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं हो पा रहा था, जब सारे लोग परेशान हुए तब सब एकजुट होकर और आज ये मोर्चा लेकर आए हुए हैं। यहाँ के बाद क्या आप अपने विधायक से भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। विधायक जुप्ति जी, आपके लिए वहाँ पर राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कितने समय से नहीं मिल रहा है? 3-4 महीना हो गए। आपने कभी उससे राशन दुकान चलाने वाले से नहीं बात की? आपने अपने उनके लिए सचिव के लिए नहीं बताया कि हमारे लिए राशन मिल रहा है?